सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में पाल वर्ल्ड के। और आज का जो एपिसोड है पाल वर्ल्ड का, वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे हो गए चैनल पे, फटाफट गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है गाइस वो जरूर से कर देना मेरे दोस्तों। और गाइस अगर आपने हमारी पाल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। पाल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट में आपको जो है गाइस हमारे पाल वर्ल्ड के सारे ए टू जेड एपिसोड जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर से पाल वर्ल्ड की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट सेक्शन से। तो आज हम क्या करने वाले, फाइनली गाइस हम लोग आज के इस एपिसोड में हमारे पैलेडियस का मैक्स लेवल करने का काम करने वाले। अपना जो पैलेडियस है वो फाइनली आज के इस एपिसोड में जो है गाइस यहाँ पे मैक्स लेवल का होने वाला है। सो चलो गाइस बिना किसी देरी के इसको मैक्स लेवल करने का काम शुरू कर देते। और एक और चीज, मुझे ना अपना आर्मर, अपनी गन्स रिपेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेटल चाहिए। तो मैं पहले तो गाइस वो मेटल जो है गाइस वो पिघलाने के लिए डाल देता हूँ। उसके बाद जो है गाइस हम लोग यहाँ पे मैक्स लेवल करेंगे पैलेडियस भाई को। पैलेडियस के जो अंडे देना गाइस वो इंक्यूबेट करने के लिए मैंने ऑफलाइन में भी डाल रखे थे, क्योंकि ऑनलाइन मतलब जो हम वीडियो बना रहे थे ना गाइस उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अंडे इंक्यूबेट होने में। सो मैंने ऑफलाइन में उसके काफ़ी सारे अंडे जो है वो इंक्यूबेट कर दिए। और अभी ऊपर जो गाइस है ना, ऊपर का अपना फ्लोर, वहाँ पर सारे के सारे जो इंक्यूबेटर्स है वो उसी पैलेडियस के अंडों से फुल करके रखे हुए हैं मैंने। अभी जल्दी से मैं यहां से ही जो ओर वगैरह लेके जो है ना गाइस घर पे जाता हूं, क्योंकि इससे हम लोग को गन और अपना आर्मर जो है वो रिपेयर करना है यार। कल का जो, कल नहीं सॉरी, पिछला वाला जो अपना एपिसोड था भाई, क्या बताऊं, लगभग 7 फ्रॉस्टेलियन मैंने कैप्चर करे, 7 फ्रॉस्टेलियन। लेकिन वो 7 फ्रॉस्टेलियन में से जो है ना गाइस मुझे एक भी 4 गोल्डन स्किल वाला फ्रॉस्टेलियन नहीं मिला। 3 गोल्डन स्किल वाले भी अगर मुझे मिले ना तो उनमें भी भाई माइनिंग और रनिंग वाली स्किल मिली, जो मुझे गाइस फिलहाल के लिए तो चाहिए नहीं, क्या ही बोल सकते यार। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी जो मेरे पास फ्रॉस्टेलियन है ना गाइस एक ओपी वाला, उसी को शायद से यहाँ पे इवॉल्व करूँगा, ठीक है, देखते चलो, वो फ्यूचर की बात है। अभी तो पैलेडियस जो है गाइस उसको पहले देखना है। प्रथम यहाँ से कोल वगैरह उठा लेता हूँ उनको जल्दी से, तो बॉक्सेस में डाल देता हूँ इधर। आ गए क्या वापस से, और आ गए क्या, और वाले पत्थर आ गए क्या, क्योंकि कुछ तो माइन कर रहे गाइस हमारी पब्लिक वहाँ पे। शायद से और वाले पत्थर वापस से आ गए, हाँ और वाले पत्थर वापस से स्पॉन हो रहे हैं। रुकना गाइस, ये देखो कैसे और कलेक्ट कर लेते। अरे 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 अरे, नीचे गिर गया भाई पहाड़ी से। रुको गाइस, ऊपर जाने दो, ठीक है। जैसे वुड भी लेके चलता हूँ, क्योंकि वुड से हम लोग कार्बन फाइबर बनाएंगे। वुड से पहले चारकोल बनेगा और उसके बाद कार्बन फाइबर बना लेंगे, ठीक है। ऑलराइट चलो, ये सारा का सारा जितना भी वुड वगैरह है ना गाइस सब मैं अभी अपने बेस पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ए टू जेड सारी चीज़ें हम बेस पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भाई थोड़ा सा और तो शायद से भाई सारा तोड़ दिया है। रुको गाइस मैं देखता हूँ गाइस हमारा लॉगिंग जो गाइस स्टेशन है उसमें कितना वुड जो है गाइस वो टोटल इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे कितना वुड है, 300, ठीक है यार, नॉट डेट बैड, ठीक है, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। रुको, अबे भाई मारना ग्रैपल, ठीक है, ये पहले तो मैं डाल देता हूँ गाइस वहाँ पे अपने बॉक्सेस के अंदर। एंड उसके बाद जो है गाइस हम लोग आगे का देखेंगे क्या करना है, ठीक है। जल्दी से इसको बॉक्सेस के अंदर भर के रखने दो मुझे, लेट्स गो। ये वुड को बॉक्सेस के अंदर, बॉक्सेस के अंदर नहीं डालता हूँ क्योंकि बॉक्सेस के अंदर डाल के भी फायदा नहीं है। रुको वहाँ पे लग भाई, हाँ लग गया भाई, चलो फाइनली ग्रैपल लग गया, ठीक है। कोल उसके बाद और वुड भाई, ये चीज़ें हम लोग को जो है गाइस यहाँ से उठा के लेके जानी है, ठीक है। फाइबर मुझे लेके नहीं जाना है, वुड लेके जाना है, लेकिन जरूर से वुड गाइस ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है वुड। चलो कोई ना, हम लोग को और तो मिल गई, इससे हमारे गाइस गन्स वगैरह जो है गाइस वो रिपेयर तो हो जाएगी, जो हमारी भाई यहाँ पे डैमेज हो गई थी कल वाले एपिसोड में, कल ही बोलता हूँ मैं, पिछले वाले एपिसोड में गाइस पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, वो रिपेयर हो जाएगी एटलीस्ट। चलो, और मुझे इनका ब्रीडिंग भी रोकना पड़ेगा, रुकना गाइस इनका ब्रीडिंग भी रोकता मैं। 200 नहीं भाई, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, इतने से गन तो रिपेयर हो ही जाएगी हमारी इजीली, ठीक है। यहाँ पे 110, चलो अभी जल्दी से, अरे हटो जल्दी यहाँ से हटो, अभी जल्दी से हम लोग इस घर पे चलते हैं। ये वुड घर पे नहीं चलता हूँ मैं, ऊपर फ्लोर पे चलता हूँ, क्योंकि मैं अभी चारकोल बनाने के लिए डालूँगा। ओ 2000 चारकोल बन भी गया है, इसे कार्बन फाइबर बनाने के लिए डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना चारकोल, आई थिंक से बस इतना ही इनफ रहेगा। चलो अभी चलते हैं और जल्दी से जो है, रुको मैं पहले तो गाइस मेरे पास जो चारकोल वगैरह पड़ा हुआ है वो वॉल्ट के अंदर भर के रख देता हूँ। एंड उसके बाद जो है गाइस
हम यहाँ पे पहले तो इनकी ब्रीडिंग भाई बंद करेंगे, ठीक है, और ऊपर जाके अंडे भी इंक्यूबेट करने हो, और पैलेडियस को आज मैक्स लेवल का तुम्हारा भाई करके रहेगा। ओ क्या हो गया, चार को ले लो, 2000 चार को ले, इसे कार्बन फाइबर बनाने के लिए डालना है मुझे, कार्बन फाइबर, चारकोल का और कोई यूज ही नहीं है, बस कार्बन फाइबर बनाने में इसका भाई काम आते हैं। रुको अब एक काम करता हूँ, मैं ब्रीडिंग बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रीडिंग जो है गाइस बंद हो जाएगी। यहाँ पे फिर किसकी ब्रीडिंग करने के लिए डालें, फ्रॉस्टीलैंड की डाल दूँ क्या गाइस मैं अभी के लिए, क्या बोलते हो गाइस, फ्रॉस्टीलैंड की डाली जाए अभी के लिए, फ्रॉस्टीलैंड की डाल देता हूँ। चलो इनकी ब्रीडिंग तो बंद हो रही है ना, तो फ्रॉस्टीलैंड की डाल देता हूँ, लेजेंड आइस इंप्रर, लेजेंड और आइस इंप्रर भाई, लेजेंड और आइस इंप्रर जो है जो पक्का 100% हमको मिलेंगे ही मिलेंगे भाई यहाँ पे। चलो इनकी डाल देता हूँ गाइस यहाँ पे ब्रीडिंग करने के लिए, ओके, क्योंकि इनको भी मुझे मैक्स लेवल का करना है अभी। और बच्चा चार गोल्डन स्किल वाला भाई, नहीं यार चार गोल्डन स्किल वाला बच्चा मैं निकाल लेने वाला इनका, देखते चलो क्या होता है देखते हैं, अभी फिक्स नहीं करा है फ्रॉस्टीलैंड की क्या साथ क्या करना है मुझे, अभी बस इनका ब्रीडिंग चालू करके रख देता हूँ। अबे यार वो ठंडा करने के लिए चला जाता है उस फ्रिज को भाई, फ्रिज को ठंडा करने के लिए जा रहा है, इधर आ। चलो इसका ब्रीडिंग चालू कर देता हूँ, अंडे ऊपर इंक्यूबेट हो चुके हैं, बस उनको हैच करने का काम करना है मुझे, ठीक है। मैं लगभग आधा एक घंटा जो ना कि यहाँ पे एएफके गया था गेम में, यार और अंडे पड़े हुए एक्स्ट्रा, क्या करा जाए, बहुत सारे एक्स्ट्रा अंडे भाई। रुको गाइस ऊपर से भी जो ना गाइस ब्रीडिंग में बंद करके आ जाता हूँ, और यहाँ पे केक भी बनाने के लिए डाल देता हूँ, एक्स्ट्रा अंडे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये देखो कितना मिनट, छः मिनट बचे हुए गाइस, बस 6 मिनट बचे हुए, और मुझे लग रहा है गाइस कि मेरे पास ना इतने ज़्यादा पैलेडियस पहले से पड़े हुए हैं कि मैक्स लेवल हो जाए अपना पैलेडियस, ठीक है, और उसको सोल वगैरह डाल के भी एकदम ओपी वाला बनाना है मुझे। रुको ओ भाई चार भाई गोल्डन स्किल, लेजेंड मोटिवेशन लीडर भाई, क्या ओपी वाली गोल्डन स्किल मिली है भाई, खतरनाक, ठीक है रुको अभी जल्दी से ये यहाँ पे डालूँ, उसके बाद ये यहाँ पे डालूँ, तू इधर आ जा, ये अंडे डाल देता हूँ मैं, क्योंकि अंडे ऐसे भी हम लोग फेंक नहीं सकते, तो इनको इनक्यूबेट करके जो बच्चे निकलेंगे उनको बेच दूंगा मैं, थोड़े पैसे मिल जाएंगे गाइज हम लोग को, ठीक है। बाकी अभी मुझे जो है गाइज ये सारे के सारे इनक्यूबेटर में जितने भी अंडे इनक्यूबेट हुए हैं वो सारे के सारे हैच करने हैं। रुको ऊपर पहले तो मैं ब्रीडिंग जो है गाइज वो इनकी बंद कर देता हूँ पैलेडियस की, ठीक है, पहले इनकी ब्रीडिंग बंद करी जाए यहाँ पर, पैलेडियस भाई यहाँ से हटो, फ्रॉस्टीलैंड भाई को डाला जाए, नहीं यार माइनस में स्किल नहीं चाहिए मुझे, पहले बोल रहा हूँ मैं, माइनस में स्किल वाला नहीं चाहिए मुझे, मेल वो वाला कहाँ पे जो अपना बेस्ट वाला है, ये फीमेल है ना, हाँ ये फीमेल है, एक मेल था ना अपना बेस्ट वाला, चलो इसको नहीं, मेल था क्या वो, बाय लेवल करो एक था ना, हाँ ये ब्रेव, ये क्या फीमेल ही है ये क्या, ठीक है इसको भी यहाँ पे डाल दो, एंड मेल, चलो पहले दोनों फीमेल को भाई यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इससे, एक एक करके डालते हैं, ठीक है ये नीचे वाली फीमेल है कहाँ पे चली गई है, ओ ये रही, चलो आ जाओ इसको उठा के ब्रीडिंग करने के लिए डाल देता हूँ, और यहाँ पे थोड़े केक भी भर के रख लेता हूँ क्योंकि केक खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी कितने सारे अंडे पड़े हुए हैं भाई, बहुत सारे अंडे पड़े, चलो इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड अब एक मेल चाहिए बराबर, फीमेल भाई ले, भाई फीमेल काफ़ी ओपी वाली मिली है, ये रहा मेल, चलो आ जाओ ओके। और जो अपना सबसे बेस्ट वाला अभी तक मुझे मिला हो फ्रॉस्टीलैंड है, उसको मैं यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए डाल देता हूँ, ठीक है, नहीं अपने बेस पे डाल देता हूँ नीचे साइड में, ठीक है उसको नीचे साइड में बेस पे डालूंगा, यहाँ पे पहले तीन गोल्डन स्किल वाली फीमेल आ जा भाई, उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है तीन भाई यहाँ पे इसके पास गोल्डन स्किल है, लेजेंड आइस इंप्रर और ये कुछ आइस्ट्रीन वगैरह करके, चलो लेट्स गो। एक और मेल चाहिए मुझे, ये वाला नीचे डालूंगा मेल, मेल फीमेल ही मिली है मेरे को मैक्सिमम, यार मेल मिले तो कुछ माइनस में ही है भाई मैक्सिमम स्टैट्स मेल के मुझे मैक्सिमम स्टैट्स माइनस में दिख रहा है कुछ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जा भाई लेट्स गो, इसको डाल देता हूँ गाइस अभी यहाँ पे मैं वापस से अंडे देने के लिए, जा क्या हो गया, अरे मेरे पास शॉटगन थी मैं उड़ा देता भाई, क्यों इतनी मेहनत करी, ठीक है ब्रीडिंग हो गया यहाँ पे, ओके इनका ब्रीडिंग करने के लिए डाल दिया है, मुझे ऐसे अंडे उड़ाने बस है, पुराने वाले जो अंडे हैं ना पैल्स के, ठीक है वो सारे उठा लेने, उठा लिए, अभी यहाँ पे थोड़े से केक डालने, बट केक डालने से पहले ना इन अंडों को मैं यहाँ पे हैच करने के लिए डाल देता हूँ, और जो हैच हुए अंडे
उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आज पहले डेज गाइस 5 लेवल होगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गाइस अभी 5-10 मिनट में ना उसकी लेवल अप हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। 5-10 मिनट में उसकी ओपी वाली लेवल अप शुरू होने वाली है। अभी जो अंडे मेरे पास पड़े हुए हैं उनको तो यहाँ पे डालना पड़ेगा ना गाइस इनक्यूबेट करने के लिए, ठीक है। ये कितने मिनट में, 3 मिनट में हो रहे हैं ना, ठीक है। बाकी आगे के सारे अंडे इनक्यूबेट हो चुके हैं, A to Z आप देख ही पा रहे होंगे, एक भी अंडा जो है आगे बचा नहीं है, सारे अंडे इनक्यूबेट हो चुके हैं। चलो मेरे पास जो अंडे वो यहाँ पे डाल दो, अभी ये सारे अंडों को यहाँ पे, ओ इसमें नहीं डाल सकता हूँ, डाल के रख देंगे। मुझे एक और इनक्यूबेटर भाई खाली करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको खाली करते हैं और अभी केक वगैरह डालता हूँ फ्रॉस्टेलियन जो है ना गाइस उनके आराम से ब्रीडिंग करने के लिए। और केक डालने से पहले ये वाला भी ब्रीडिंग सेंटर चालू कर लेते हैं हम, रुको। ओके ब्रेव वाला कहाँ पे, ब्रेव वाले भाई ये वाला ब्रेव है, फीमेल है ना ये फीमेल है भाई, आ जाइए। अरे यार भाग जाती है भाई, वो फ्रिज जो है ना गाइस उसका काम करने के लिए भागती है, इधर आ। चलो इसको मैं डाल देता हूँ गाइस जल्दी से, ये अपने आखिरी वाले ब्रीडिंग सेंटर के अंदर, ठीक है, डन। अभी यहाँ पे मुझे एक मेल भी डालना है बढ़िया सा, एक बड़े वाला मेल भी डालना है, ये रहा मेल बढ़िया वाला, जिसके कोई भी स्टार्ट माइनस में नहीं जा रहे, इसको अभी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे और ये आराम से अपना ब्रीडिंग कर पाएंगे, ठीक है, डन बॉयज, डन। चलो और इनका ब्रीडिंग थोड़ा तेज करूँ, बस उससे वो स्ट्रेस हो जाएंगे गाइस, ठीक है। डिमांड ब्रूटल वर्क फ्रॉम पैल, सैंड सैनिटी हाई जाएगी ना, हार्ड वर्क हाईएस्ट हाई। चलो आ जाओ एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग ने इनको ना एकदम सुपर हार्ड, अरे बाप रे ये आत्मा आ गई इसके अंदर, अरे भाई 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 इन लोग के अंदर आत्मा भी तुम आ गई क्या, ये क्या हो रहा, तुम भी अंडे जल्दी दे रहे हो क्या, अच्छा दे भी दी अंडा, अंडा दे भी दी इन लोग, ठीक है भाई। सारे लोग अभी फुल स्पीड में काम कर रहे हैं भाई, फुल स्पीड में फास्ट फॉरवर्ड मोड ऑन कर लिया लग रहा है गाइस मेरे इन लोग का, ठीक है। ऑल राइट पहले रिपेयर शिपेयर कर लूँ, ओके ब्रीडिंग हो चुका है ना, ब्रीडिंग के लिए डाल दिया मैंने, रिपेयर वगैरह कर लूँ, रुको अपना आर्मर चार्मर रिपेयर कर लेता हूँ। अभी अंडे जो है गाइस हम लोग को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है गाइस अंडे ज़्यादा मिलेंगे, बट प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे ये हो जाएगी कि इनका सैनिटी काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी भाई ड्रेन होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होगा। चलो मैं अभी एक काम करता हूँ, पहले अपना आर्मर रिपेयर कर लूँ और इसको पेन लूँ भाई, इसको भी रिपेयर करा जाए, उसके बाद भाई गन को पॉलीमर चाहिए, पॉलीमर भाई रुक जाओ बनाने के लिए डाल देता हूँ, पॉलीमर बनाने के लिए डाल देते, रुको गाइस पॉलीमर। यार यहाँ पे कार्बन फाइबर बन रहा है, अभी गन रिपेयर नहीं कर सकते, थोड़े टाइम में करता हूँ। चलो आ जाओ अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन से पैलेडियस को हम मैक्स लेवल करें, ठीक है। 801 डैमेज है, नहीं इसको नहीं, 700 ना इसको भी नहीं, 700 ना इसको भी नहीं, 750 यार यही है मतलब सबसे बेस्ट अपना क्या, लेजेंड और 888 डिफेंस है, डिफेंस भी बढ़िया है भाई का, लेजेंड और सिलेस्टर एम्परर और मोटिवेशन लीडर एक और है, एस्ट्रिन 7, इसके डैमेज कम है यार, लेकिन डैमेज कम है भाई का, वर्क स्पीड तो बढ़िया ही है, इसका डैमेज बढ़े, इसका डैमेज 50 कम है, बट इसके पास क्या एबिलिटी है, एबिलिटी कौन सी है, वर्क स्पीड इंक्रीज टू इनकमिंग लाइटनिंग डैमेज, डिक्रीज टू लाइटनिंग डैमेज, ओके ना इतना खास नहीं लगा मुझे ये, क्या मोटिवेशन लीडर क्या करेगा, मोटिवेशन लीडर क्या करेगा हमारा, इंक्रीज प्लेयर वर्क स्पीड, नहीं यार इसी को कर लेता हूँ, दो गोल्डन स्किल वाले को, ठीक है इसको करके इसका डैमेज 50 कम है, हेल्थ किसकी है ज़्यादा, 849 89, चलो इसको कर लेते हैं भाई, ठीक है इसको कर लेते हैं, इस पैलेडियस को अभी हमको मैक्स लेवल करना है। ऑल राइट गाइज अंडे शंडे देना शुरू कर दिए इन लोग ने, अंडे शंडे देना शुरू, तो अपसेट एंड विलिंग टू डू एनी टास्क, एक कर लो रे नॉर्मल काम कर लो तुम, बट तुरंत ही अपसेट हो गया भाई, वो एनिबस अपसेट हो गया था, उसको ज़्यादा काम करने के लिए बोल रहा था इसलिए मैं अपसेट हो गया भाई, डायरेक्टली बोल रहा मैं काम ही नहीं करेगा अभी, ठीक है रुको हम एक काम करते हैं, हम लोग पैलेडियस जो है उसको फाइनली मैक्स लेवल में इवॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अभी ये लेवल बन के आप देख पा रहे होंगे, अभी इसको मैक्स लेवल करना है मुझे, ठीक है ये हो गया लेवल टू, ये लेवल टू हो गया लेवल थ्री, अभी लेवल थ्री जल्दी से, और मुझे लग रहा है मेरे पास इतने ज़्यादा पैलेडियस पड़े हुए हैं कि आप लोग इसको मैक्स लेवल कर सकते हैं, ये हो गया लेवल 3, ये लो लेवल 4,
ये लेवल चार भाई, ये सीधा लेवल चार गाइस, ठीक है। ये हो गया भाई यहाँ पे, देखो इसका लेवल अभी चार सीधा, उसके बाद सीधा लेवल पाँच, ठीक है गाइस। ये हो गया भाई लेवल चार लेवल पाँच, भाई भर भर के पड़े हुए भाई। रुको, ये मैक्स लेवल होने वाला है अभी, हाँ ये भी मैक्स लेवल होने वाला है। फिर आपको मैं दिखा दूँ इसका डैमेज कितना जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें कितनी जा रही है भाई यहाँ पर। ये मैक्स लेवल होने वाला है यहाँ पर को, बट हमारे पास के उतने पैलेडेस पड़े हुए कि हम इसको मैक्स लेवल कर पाए, शायद से थोड़े पैलेडेस की कमी पड़ेगी। मैं ऊपर से आज कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ लगभग 14 पैलेडेस चाहिए हमको, 14 और पैलेडेस चाहिए मेरे को। रुको एक काम करता हूँ, मैं जाके जल्दी से सो जाता हूँ, सवेरा होते ही हम लोग पैलेडेस को मैक्स लेवल करने का काम शुरू कर देंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। सीधा पैलेडेस मैक्स लेवल होगा। मैं पैलेडेस और नैक्रोमा जो है ना गाइस, उसको ज़्यादा यूज ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ओपी वाले और भी पैल्स पड़े हुए हैं। सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि भाई किसको यूज़ करा जाए और किसको ना यूज़ करा जाए, समझ रहे हो गाइस। मैं जेट्रोगोन और फ्रॉस्टेलियन मैक्स जो है अपना, उसको तो हमेशा अपने पास ही रखूँगा, उनको तो हम लोग भाई यहाँ पे अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एनिबस को हटा के, हाँ एनिबस को हटा के मैं किसी एक को रख लेता हूँ, रुको एनिबस को हटा के रख लेते हैं, चलो आ जाओ। मुझे जल्दी जल्दी से जो है गाइस यहाँ पे ये जो अंडे वगैरह है गाइस, वो सारे के सारे कलेक्ट करने दो, और इन्हीं अंडों से हम लोग गाइस हमारे पैलेडियस को मैक्स लेवल करने वाले। 16 अंडे चाहिए थे, मतलब ये दो लाइन जो है गाइस वो मुझे टोटल यहाँ पे इनक्यूबेट करनी है। टोटल दो लाइन में जितने भी अंडे हो सारे के सारे भाई इनक्यूबेट हो चुके हैं, इनको कलेक्ट करना है गाइस, ठीक है। और तीसरी और चौथी लाइन भी भाई यहाँ पे पूरी तरीके से जो है गाइस यहाँ पे वो हो चुके हैं गाइस, हैच हो चुके हैं अंडे जो है गाइस सारे के सारे, ठीक है। चलो मैं जल्दी जल्दी गाइस कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या चार चार गोल्डन स्किल वाले मिल रहे, क्या ओपी वाले चार चार गोल्डन स्किल वाले मुझे भाई वो पैलेडेस मिल रहे हैं, लनर रनर लेजेंड, उसके बाद सिलेस्टियल इंप्रर, चारों के चारों ओपी वाले गोल्डन स्किल भाई एक ही के अंदर मिल गई मेरे को। बट नहीं भाई, हम लोग जो ना कि इन बच्चों को यहाँ पे लेवल अप नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ अगर मैं फ्रॉस्टेलियन का बच्चा निकालूँ, मतलब अंडा हैच हो, और उसमें से अगर ऐसा ओपी वाले सारे के सारे चार डैमेज वाले अटैक एक ही वाइज मुझे बच्चे के अंदर मिलते हैं, तो फिर हम लोग कुछ करेंगे, फिर उसको हम लोग जो है ना गाइस लेवलअप शेवलअप करने के बारे में सोचेंगे, वरना हम लोग बॉस को ही लेवलअप करने वाले हैं, ठीक है। सारे अंडे इनक्यूबेट हो चुके हैं गाइस, ठीक है, लेट्स गो। ये आखिरी वाला एक बचा हुआ, ठीक है, बाकी बाद में ये जो बीच में बचे हुए बाद में हो जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग मैक्स लेवल का हमारे पहले डेज को करने वाले गाइस। एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक तो बनता है भाई। मैक्स लेवल का करने वाले भाई पहले डेज को, मैक्स लेवल का करने वाले, तो एक लाइक तो बनता है फटाफट से मेरे दोस्तों, लाइक कर देना अगर आपने नहीं करा होगा तो, ठीक है। और जो नए होंगे कि सब्सक्राइब भी कर देना, रुको मुझे जल्दी से यहाँ पे इस सारे के सारे पैलेडेज जो है वो डालने दो, ठीक है। कितने हो गए भाई, 40 हो गए ना, ठीक है। मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़े भाई बच जाएंगे आप पैलेडियस, कितने हो गए, 62 63, ईजी पीजी बॉयज, लेट्स गो। रेडियो अभी गाइस मैं इसको मैक्स लेवल बनाने वाला हूँ, 1 2 3 हियर वी गो बॉयज। ये रहा मैक्स लेवल का पैलेडियस, 10,000 भाई की हेल्थ है, 901 ये डैमेज। मैक्स लेवल करने के बाद भी भाई का डैमेज कुछ ज्यादा खास नहीं बढ़ा, उसका डिफेंस बढ़ा है, क्योंकि पैलेडियस डिफेंस वाला भाई हमारा पोकेमोन होता है, ठीक है, भूल गया था, डिफेंस वाला पहले, तो इसका डिफेंस बढ़ेगा, डैमेज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कैप्चर रेट बढ़ा लेता हूँ, उनको कैप्चर रेट बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, एंड चलो अब इसके अंदर सोल डाले, सोल ही नहीं है भाई, सोल ही नहीं है ज़्यादा, क्या डालूंगा सोल इसके अंदर, सोल ही नहीं है गाइज इसके अंदर डालने के लिए, देख रहे हो गाइज, सोल ही नहीं है गाइज, एक मिनट रुक जाओ, कैसा सोल नहीं है भाई, ऐसा कैसा सोल नहीं है भाई, रुको ऐसे कैसे सोल नहीं है। एक भाई एनिबस के ऊपर हम लोग ने सोल वेस्ट करी, आपको पता है भाई, इसकी सोल ले लूँगा मैं वापस से खींच के भाई, इसके अंदर भाई वो सोल वेस्ट ही हो जाएगी, मैं इसके अंदर ना डालने वाला हूँ। कितना चाहिए रुपया, 1,60,000, ओके 1,60,000 से सोल रिसेट करनी है मुझे, रुको जल्दी से सोल रिसेट कर लेता हूँ गाइस मैं यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से सोल रिसेट कर लेता हूँ एनिबस की, एनिबस की सोल रिसेट करके रिटर्न दो भाई सोल, डन भाई, ठीक है। इस एनिबस की सोल जो है गाइस हम लोगों ने रिटर्न ले लिया है, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग अभी यहाँ पे अनुबीज जो है गाइस, एनिबस ही बोलता है इसको, अनुबीज जो है ना गाइस उसको यूज नहीं करेंगे। पॉलीमर कितना बन रहा है, इतने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ना, चलो पॉलीमर बनाने के लिए डाल दे ताकि मेरी एआर जो है गाइस वो अपग्रेड कर सकूँ मैं,
अपग्रेड नहीं, सॉरी रिपेयर कर सकूँ। अभी जल्दी से मुझे यहाँ पे जो है गाइज, यहाँ पे अपना जो पैलेडियस है उसको सोल डाल के और ज्यादा पावरफुल बनाने दो। मैं इसके अंदर जो है गाइज डाल रहा हूँ डैमेज में पॉइंट, ठीक है गाइज, डैमेज में पॉइंट डाल रहा हूँ मैं, इसके अटैक में पॉइंट डाल रहा हूँ। अटैक में से अगर आप देखोगे ना उतना ज्यादा हाई नहीं जा रहा है गाइज, मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, अटैक उतना ज्यादा हाई नहीं जा रहा। हेल्थ कितनी जा रही है? हेल्थ ठीक ठाक जा रही है, हेल्थ ठीक ठाक। चलो भाई इसकी हेल्थ मैक्स कर लेता हूँ और अटैक भी मैक्स कर लेते हैं गाइस, ठीक है। हमारे पास कॉमन सोल की कमी है भाई, और किसी चीज़ की कमी नहीं है। कॉमन सोल जो है वो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रही है यहाँ पर, इनकी फार्मिंग करनी पड़ेगी लग रहा है। और डिफेंस भाई, डिफेंस तो भाई इसका इतना बढ़ेगा ना भाई, ये चलो गाइस डिफेंस भी मैक्स कर लेता हूँ भाई का, ठीक है। फुल मैक्स लेवल का गाइस पहले वर्क स्पीड हम लोग इसका बढ़ाने नहीं वाले, क्योंकि वर्क स्पीड किसी काम नहीं आता खास, ठीक है। तो फुल मैक्स लेवल में इवॉल्व हो चुका है गाइस हमारा पैलेडियस। भाई का डिफेंस मैक्स है, भाई का अटैक मैक्स है, हेल्थ मैक्स है, उसके बाद लेवल अप जो है वो 5 करके वो भी मैक्स कर दिया मैंने। 13,000 गाइस इसकी हेल्थ हो चुकी है, और अटैक अगर आप देखोगे तो इसका अटैक जा रहा है भी 1171। फ्रॉस्टेलियन को हम लोग ने हेल्थ में पॉइंट नहीं डाले और डिफेंस में पॉइंट नहीं डाले। अपना फ्रॉस्टेलियन भाई नॉक्ड जो है वो भी काफ़ी ओपी है यार, वो भी काफ़ी ओपी है। डाल दो, डाल देते, चलो आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है, डाल देते भाई, ठीक है चलो आ जाओ। ये ले भाई, इसको भी मैक्स लेवल कर दिया, डन। हमारा फ्रॉस्टलैंड नॉक्ड भी मैक्स लेवल, 1503 डैमेज, 1300 डिफेंस। वर्क स्पीड तो कमी है, वर्क स्पीड का भी कोई सीन नहीं है, ठीक है चलो आ जाओ। अभी गाइज ये देखो, ये रहा अपना पैलेडियस, और ये हो चुका है यहाँ पे मैक्स। ओ स्पीड बॉयज, घर जाएंगा भाई, स्पीड देखो भाई, ट्रिपल जंप बोलते बॉयज, ट्रिपल जंप बोलते, खतरनाक यार। ये देखो भाई, क्या भाई उड़ रहा है, ऐसे लग रहा है कि उड़ रहा है भाई हवा में, सच में भाई काफ़ी ओपी लग रहा है भाई। गाइस क्या बोलते हो, इसका थोड़ा सा डैमेज टेस्ट करा जाए? हाँ चलो आ जाओ, इसका डैमेज टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। पहले भाई हमारे जो अंडे गाइस हमारे प्यारे प्यारे से फ्रॉस्टेलियंस के, वो इनक्यूबेट करने के लिए ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। 40 अंडे एक साथ इनक्यूबेट करूँगा मैं, कितने गाइस 40 एक हम लोग एक साथ इनक्यूबेट करेंगे। लेट्स गो मेरे भाई लोग, लेट्स गो, चलो आ जाओ, 40 एक साथ इनक्यूबेट करेंगे हम लोग आज। इनक्यूबेट नहीं करेंगे, हैच करेंगे भाई, ठीक है। वहाँ पे इनक्यूबेट करके करने के लिए डाल देता हूँ, लेकिन हैच हम लोग 40 के 40 एक साथ करेंगे, ये देखने के लिए कि हमको कुछ ओपी वाला स्किल मिलता है कि नहीं अंडों में से, जो बच्चे निकलेंगे उनमें। मुझे लग रहा है यहाँ पे आग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कोल्ड वाले पैल का अंडा है, तो बिना आग के अच्छी तरीके से, बिना आग के बड़े अच्छी तरीके से जो है वो यहाँ पे इनक्यूबेट होगा भाई, ठीक है चलो। ऑल राइट चलो आ जाओ, इसको इनक्यूबेट करने के लिए डाल देता हूँ आराम से, डन आ जाओ। अभी पैलेट ऊपर से मैंने अंडे उठा लिए क्या, ऊपर से अंडे उठा लिए ना, झलक दिखला जा नहीं, हाँ उठा लिए, चलो लेट्स गो। अभी चलते हैं गाइस सीधा सीधा हम, अबे ये क्या हो रहा है, अरे वहाँ पे जाओ ना तुम लोग पानी डालने के लिए, यहाँ से क्यों पानी डाल रहे हो भाई लोग, एक ही जगह पे बसड़ मचा रखी है हमारे पैल्स ने। चलो आ जाओ भाई, अभी टावर बॉस के अगेंस्ट हम लोग अपने पैलेडियस को यूज करेंगे भाई, टावर बॉस की बुर्जी बनाने वाले, सब कुछ मैक्स कर दिया हमने पैलेडियस का, सब कुछ मैक्स भाई, ठीक है। देखते टावर बॉस के अगेंस्ट जो है गाइस किस तरीके से काम आता है, ये आइस वाला अटैक ये वाला लगा दो, ठीक है चलो आ जाओ। पैलेडियस भाई लेट्स गो, रेडियो पैलेडियस के अटैक से बैंड बजाऊंगा मैं भाई, रुको पहले तो इस बॉस के ऊपर हम लोग डालेंगे क्या डालेंगे, पैल ब्लास्ट, पैल ब्लास्ट, ये ले। अरे यार ये एक जगह पे खड़ा होता ना तो इसका भाई डैमेज पड़ता अच्छा खासा पता है, बट एक जगह पे खड़ा नहीं था, डैमेज तो जा रहा है अगर देखा जाए तो ना, क्या बोलते हैं वो ब्लिजार्ड स्पाइक भी है इसके पास। ए ये वाला टैग जो है कैसे ब्लिजार्ड स्पाइक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक डैमेज देता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। आपने फ्रॉस्टलैंड के पास भी देखा होगा, यही मेन अटैक है फ्रॉस्टलैंड का, जिससे वो सबकी बैंड बजाता है। मैं ब्लिजार्ड स्पाइक का डैमेज जो है कि सो कितना जा रहा है जरा एक बार चेकआउट कर लूँ, ठीक है रुको गाइस जरा चेकआउट कर लूँ कितना डैमेज जा रहा है। इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ, अरे यार ठीक है तू मार दे भाई इसको, रुको मैं नीचे उतरता हूँ मार देगा ना, इसका डैमेज कितना जा रहा है, 2000 नहीं ये कम कम शो कर रहा है, कम शो कर रहा है, रुको रुको गाइस रुको, कम शो हो रहा है, कम शो हो रहा है भाई। सारे पैल्स कहाँ चले गए, एक 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 पैल मिल रहा है मेरे को देखने को यहाँ पे, वो पैल स्पॉन रेट कम कर दिया मैंने इसलिए, 1800 कुछ डैमेज है
ब्लिजार्ड स्पाइक का कितना डैमेज आ रहा है? लेट मी चेक गाइस, ब्लिजार्ड स्पाइक का 6000 डैमेज तो कम शो कर रहा है इसका, काफी कम जा रहा है इसे बोल रहे भाई। स्पेयर का अटैक तो कोई स्पेयर वाला जो अटैक है इसका, इसका डैमेज नहीं यार इसका नहीं भाई, 1000 बोल रहेगा इस डैमेज। नहीं मेरे को तो पता है भाई इसका 1000 डैमेज नहीं है, इसका 16000 10000 200 क्या है, इतना कम डैमेज है क्या पैलिडेस भाई तेरा? मूवमेंट स्पीड बढ़िया है इसकी, ट्रिपल जंप तो एक नंबर है भाई, एक नंबर है ट्रिपल जंप। बट क्या अटैक इसका सच में इतना ज्यादा गाइस घटिया है? रुको नहीं, बॉस को कैसे मारता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। बॉस को अगर चुटकियों में मार पा रहा है तो किसी किसी का लाइक एनिबिस का डैमेज भाई काफी ज्यादा हाई दिखा रहा था बट उसका डैमेज रियलिटी में काफी कम जा रहा था, तो मे भी ऐसा हो सकता है इसका डैमेज कम दिखा रहा है बट मतलब यहाँ पे नंबर्स में डैमेज कम दिखा रहा है, बट अगर हम लोग बॉस के ऊपर इसका अटैक वगैरह करें तो मे भी उसका डैमेज ज्यादा पड़ सकता है। ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी। हाय लेडीज भाई, ब्लिजार्ड स्पाइक डालो पहले, ब्लिजार्ड स्पाइक। क्या बोलते हो गाइस, क्या बोलते हो, दम है इसमें भाई का, इसका अटैक जो है ना मैं सच बताऊं मुझे उतना ज्यादा हाई लग नहीं रहा, ठीक है उतना ज्यादा ओपी नहीं लग रहा गाइस जितना हमारे फ्रॉस्टलेड मैक्स का अटैक है ना ओपी, वैसे कुछ इसका अटैक मुझे ओपी लग नहीं रहा। हाँ भाई लुक एक नंबर है भाई, ये लुक जो है ना गाइस इसका दिखने में जो ना गाइस खतरनाक सुपर से भी ऊपर वाला लगता है भाई, एकदम डेंजरस वाला लगता है। बट जैसे कि मैंने बोला इसका डैमेज ज्यादा नहीं जा रहा बॉयज, मैक्स लेवल कर दिया मैंने पूरा मैक्स लेवल, बट स्टिल गाइस इसका डैमेज वगैरह नहीं जा रहा, क्यों भाई ऐसे क्यों यार? चीटिंग चे भाई इधर, चीटिंग चे भाई है, सब कुछ मैक्स कर दिया मैंने। हैनिबल जो है गाइस मैं बोलूंगा उसका डैमेज अगर इससे कंपेयर करें ना तो ज्यादा जा रहा था अभी, ठीक है इसका डैमेज हमारे अनुबिस से भी भाई कम जा रहा है। कहां पे वो बॉस दिख भी नहीं रही थी, अनुबिस से भी कम डैमेज जा रहा है गाइस, ज्यादा मार नहीं पा रहा। ये डिफेंस वाला पहले गाइस ये देखना, इतनी फाइट कर मैं क्या बोला गाइस आपको, ये डैमेज डीलर है ही नहीं ये डिफेंस वाला पहले, इसने इतनी ज्यादा फाइट करी, इसकी हेल्थ देखो कितना मार खा रहा है, ये देखो मार वगैरह खा रहा है लेकिन इसकी हेल्थ देखना 1% भी डाउन नहीं हुई है, ये देखो 1% भी डाउन नहीं हुई है। ये डिफेंस वाला पहले गाइस इसका डैमेज ज्यादा नहीं जाएगा। नैक्रो में जो है अपना वो है गाइस यहाँ पे अटैक वाला पहल, ठीक है वो अटैक वाला बॉस है, ये डिफेंस वाला बॉस है, इसने भाई इतना ज्यादा यहाँ पे मार खाया बट फिर भी इसकी हेल्थ इतू सी भी डाउन नहीं हुई भाई यहाँ पे। तभी मैं बोलूँ भाई इसका डैमेज क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि डिफेंस वाला है, इसके हाथ में भी आप देखा होगा शील्ड पड़ी हुई है इसलिए इसका डैमेज ज्यादा नहीं जा पा रहा। रुको सामने एक बॉस है गाइस उसके अगेंस्ट भी इसको एक बार ट्राई करते हैं, इसको तो मुझे लग रहा है वो इजीली मार देगा, इस वाले बॉस को जो है हमारा पैलेडिस इजीली मार देगा ऐसा मुझे लग रहा है भाई। ठीक है चेकआउट कर लेते हैं, आ चलो चेकआउट कर लेते हैं, लेट्स गो। पैलेडिस को हम लोग भिड़ाते गाइस इस सिब्लिक से, 40 लेवल है ज्यादा है नहीं है 40 लेवल है, ठीक है ब्लिजार्ड स्पाइक क्या बोलते भाई, ठीक है नहीं डैमेज ज्यादा नहीं है, डैमेज ज्यादा नहीं लेकिन ध्यान से देखना कितना भी मार खाएगा इसे पूरे फाइट में, ये देखो मैं इसको ऐसे लावारिस की तरह छोड़ देता हूँ, कितना भी मार खाएगा इस, बट इसका जो हेल्थ है ना वो डाउन नहीं होगा, ध्यान से देखो ये देखो कितना भी मार खाए भाई, कितना भी मार खाए जैसे ही बैटल खत्म होगी ना आपको हेल्थ दिखाऊंगा मैं, ये देखो ये ले ये लो ये लो ये लो हेल्थ देखो, अभी मार खाया हेल्थ देखना, हेल्थ देखना तुरंत फुल भाई तुरंत फुल, वो अटक गया बेचारा अटक गया अटक गया, ये लो खाने दो इसको मार खाने दो, बैटल के एंड में आपको दिखाता है, देखो खा रहा है मार मार खा रहा है डन, हेल्थ देखो भाई सीधा फुल भाई, डिफेंस में जो ना गाइस एक नंबर पहले, इसको मार पाना काफी डिफिकल्ट होने वाला है देखना, ये देखो कुछ भी फायदा नहीं तुरंत भाई फुल हेल्थ, तुरंत भाई हेल्थ फुल कर लेता है अपनी, ये लो कोई फायदा नहीं भाई कोई फायदा नहीं, देखो वापस से देखो हेल्थ देखो फुल, ये मार तो खा रहे 40 लेवल का बॉस है, ऐसे नहीं लो लेवल का बॉस है भाई 40 लेवल का बॉस है, बड़ी अपनी हेल्थ जो वो डाउन नहीं होने दे रहा, ये देखना तुरंत ही फुल हो रही है इसकी हेल्थ, अटक गया बेचारा निकाल लेता और जा भाई मार दे मार दे मार दे भाई सिप्लिक्स को,
ये देखो खाया मार, लेकिन हिल देखना मार खाया, फुल फुल भाई, सीधा फुल भाई। डिफेंस एक नंबर है यार इसका, डिफेंस जो है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा। कितना डिफेंस पॉइंट कितने भाई तेरे? 1300 डिफेंस है, 1300 डिफेंस तो मेरे पैल में किसी का भी नहीं है, किसी का भी 1300 डिफेंस नहीं है। और ऊपर से इसकी जो है ना गाइस आप देख ही पा रहे हो कि हाथ में भी शील्ड है, सो सामने की तरफ से अगर इसको कोई मारने की कोशिश करता है, जैसे हम इससे बॉस फाइट भी लेते हैं और सामने से मारने जाते हैं तो डैमेज 1-1 का पड़ता है, बट साइड से अगर कोई मारे तो ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको अभी यहाँ पे बॉस मार ही नहीं पाया। रुको आपको वापस से दिखाता हूँ मैं इसका जो शील्ड है ना उसकी पावर दिखाता हूँ आपको, इसकी शील्ड की पावर दिखाता हूँ। रुको मैं इसकी शील्ड की पावर दिखाता हूँ मैं। इसका टायर क्या है भाई? टायर क्या है? न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल वाला है ना। आपको इसकी शील्ड की पावर दिखाता हूँ मैं। अरे भाई उतर जा भाई नीचे, इसकी शील्ड कितनी खतरनाक है ना मैं आपको दिखाता हूँ। रुको चलो इसको मेना स्टिंग को मारने जाओ क्या? मेना स्टिंग को मारने जाओ। मेना स्टिंग कौन सा टायर है? डार्क टाइप। चलो लाइटनिंग वाले को मार के देखते हैं, ठीक है। लाइटनिंग वाला जो हमारा 47 लेवल का है ना गाइज, 47 ही लेवल है ना इसकी? हाँ 47 लेवल के बॉस से भाई अभी पंगे लेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ चलो, मैं वो लावा वाले इसमें इसलिए नहीं जा रहा हूँ इस लावा बायोम में, क्योंकि वहाँ पे ना बर्निंग डैमेज पड़ेगा, वो बर्निंग डैमेज वो परसेंटेज में हेल्थ डाउन करता है हमेशा, ठीक है। आर्क में भी और यहाँ पे भी परसेंटेज में वो जो है ना हेल्थ डाउन करता है, सो उस टाइम पे जो है इस काम नहीं आने वाला है इसकी हीलिंग और इसका डिफेंस, क्योंकि इसका डिफेंस इसको बर्निंग डैमेज से इम्यूनिटी नहीं देने वाला। ओके ओके यहाँ पे गुफा होगी ये रही। चलो 47 लेवल के इस बॉस से भी मैं पैलेडियस को बिठाने वाला हूँ, और ये यहाँ पे मार भी खाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पैलेडियस का जो डिफेंस है ना वो कितना ज़्यादा खतरनाक वाला है। स्पीड देखो भाई, स्पीड देखो पैलेडियस भाई की, डिफेंस देखना भी इसका, बस डिफेंस देखना। यहाँ पे मार तो खाएगा भाई, मार तो खाएगा भाई, मेरे को नहीं भाई, उसको मार ले मैं पेटी लूट लेता हूँ। अरे मेरे को नहीं, उसको मार भाई, हाँ मार उसको, ठीक है। अरे मार भाई, उससे पहली बैंड बच जाएगी। ओ पड़ रहा है, अटैक पड़ रहा है। 47 लेवल के बॉस से पंगे ले रहे हैं हम लोग, उसको सर पे उठा लिया भाई। अरे अरे छोड़ दे यार, क्या सर पे उठा के बैठा है, ये लो मार इसको, मार नाइस। देखो मार रहा है गाइस, वो बॉस मार रहा है बॉस, कम ऑन, ये लो मार रहा है बॉस, बराबर मार रहा है। रुको जरा, हेल्थ देखो भाई की, फुल हेल्थ, डिफेंस बहुत तगड़ा। ये लो आग भी छोड़ दी, बट फिर भी हेल्थ फुल है भाई, फिर भी हेल्थ फुल है। इसी बात नहीं कि इसकी हेल्थ ज्यादा है, इसकी 10,000 ही हेल्थ है, बट डिफेंस जो है ना गाइस इसका वो नेक्स्ट लेवल है। ले भाई अटैक पैड है, खाए जा रहा है, ये लो इजी पीजी बोलते बॉयज। यार इसका डिफेंस भाई सच में मैं शॉक हो चुका हूँ देख के रे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना ज्यादा हाई डिफेंस जाएगा इसका। क्या बोलते हो गाइस इस बॉस से थोड़े से और भाई अगले एपिसोड में बॉसेस को मारा जाए ओपी वाले, क्या बोलते हो गाइस? मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है, आपका डिसीजन क्या होगा, ठीक है। हम लोग को पैलेडियस वर्सेस जो बड़े बड़े और खतरनाक से बॉसेस हैं उनकी फाइट करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, मुझे नीचे कमेंट करके बता देना गाइस, ठीक है। बाकी हमारा मैक्स लेवल का और चलता फिरता टैंक है भाई, कितना भी मारो लिटरली इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमारा चलता फिरता जो टैंक है गाइस, ये कैसे लगा गाइस मैक्स लेवल का पैलेडियस, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा हमारे मैक्स लेवल का पैलेडियस तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आज का ये वाला जो हमारे एपिसोड है गाइस पैल वर्ल्ड का वो हो जाता है ये पे खत्म, मिलता है अगले एपिसोड में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी पैल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी है सो पैल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट भी जरूर से देख लेना गाइस, वहां पे आपको हमारे पैल वर्ल्ड के सारे अभी तक हम लोगों ने जितने भी एपिसोड गाइस अपलोड करे वो मिल जाएंगे, सो जरूर पैल वर्ल्ड की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। बाकी आज का एपिसोड हो जाता है यही पे। ए रुको गाइस, इसका रॉकेट लॉन्चर खाते हैं, इसका रॉकेट लॉन्चर खाते हैं। कितना भाई? एक रॉकेट लॉन्चर खाया, गोली खाते, ठीक है। ये देखो भाई बम भी खा रहा हूं मैं। अबे क्या है ये? मार भाई बम मार, ये लो चलता फिरता टैंक। लो भाई लो, बम, फोड़ो भाई, मारो, चलता फिरता टैंक है भाई, ये कुछ असर नहीं पड़ रहा। ये लो भाई, लियो पीछे से भी मार रहा हूँ, पीछे से मेरे वीक स्पॉट पे मार रहा है, ले
कुछ असर नहीं भाई। हेल्थ देखो फूल है अभी तक भाई। ये ले बम बम खाऊंगा मैं, बम खाऊंगा, ये ले बम भी खाऊंगा, ये लो भाई साहब। यार दम तो है पहली डेज में गाइस, दम तो है भाई, दम तो है भाई। रॉकेट रॉकेट मारना, रॉकेट खाना चाहता हूँ, प्लीज मार देना। नूब चल बेटा, रॉकेट की पावर बढ़ा के आना। फुल हेल्थ है यार, फुल हेल्थ भाई, मजाक हो रहा है। चलता फिरता टैंक पकड़ लिया बड़े भाई, चलता फिरता टैंक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, मशीन गन, कुछ भी चलाओ, कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारे भाई के पहले डेज को भाई। खतरनाक यार, वो भी बोलते मजा आ गया यार इसको देख के। आप बताना गाइस आपको हमारे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से जो पहली डेज है गाइस वो यहाँ पे कैसे लेगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी मिलते हैं सीधा गाइस आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा, दे बाय बाय, दे गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were rope.